सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम लोग वापस से खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट, और ये फर्स्ट टाइम मैं फेस कैम कर रहा हूँ, और मेरा बैकग्राउंड आप लोग इग्नोर कर सकते हो। मैंने अपने एक चादर टांग दी है ताकि थोड़ा सा बैकग्राउंड का काम करे, ग्रीन स्क्रीन का काम तो नहीं करने वाली है। आज हम लोग खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट, बहुत टाइम बाद में खेल रहा हूँ। कोई साउंड आई थी अजीब सी, पता नहीं, बहुत टाइम बाद मैं माइनक्राफ्ट खेल रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। सो अब बेसिकली है ना, मैं माइनक्राफ्ट को थोड़ा सा नए तरीके से खेलना चाहता हूँ। मतलब पहले हम थोड़ा सा डर डर के खेलते थे, मैं काफ़ी कम बार मरा हूँ इस गेम में। हालांकि अभी मैं थोड़े टाइम पहले ही मरा था, लेवल 2 हो चुकी है मेरी, पता नहीं कैसे मरा था। बहुत टाइम बाद मैंने इस गेम को ओपन किया तो लास्ट टाइम, भाई हाँ मुझे याद है, इस घर को बनाने में जो मेहनत लगी है ना, आए हाय इतना सही लग रहा है भाई ये घर, ओपी एकदम। और यहाँ पर भी हमारा एक डॉगी बैठा हुआ है, मैं तो यहाँ क्यों बैठा है, सबके साथ बैठ जा। हमारे पिगीस, हाय हेलो, हमारी चिकन, संडे को फोड़ते हैं, हाँ कुछ निकलता तो है नहीं मैक्सिमम टाइम इनमें से। अरे मेरी भेड़ बकरियाँ कितने कम हो रही हैं, खाना पीना नहीं मिल रहा ना इनको इतने टाइम से है। सब एक कोने में कुछ जमा हो रही है भाई, यहाँ एरिया खाली है, यहाँ इतना सारी घास उगी हुई है, वाली खाओ ना भाई। सो, रात हो रही है, हम लोग पहले चल के सो जाते हैं, इससे पहले कि मॉब्स वगैरह आना स्टार्ट हो, हम लोग चल के सो जाते हैं। तो यहाँ चलो और सो जाओ। मुझे अपनी डिफ़िकल्टी भी देखनी है कि मेरी डिफ़िकल्टी नॉर्मल है, पीसफुल है, क्या है। अभी मैं ना अपनी डिफ़िकल्टी इजी रख के खेलूँगा, पीसफुल पे बहुत ज़्यादा ये हो जाता है भाई, मतलब मज़ा नहीं आता। हाँ इजी है ना डिफ़िकल्टी, ठीक है। और ये मेरा अपना कैरेक्टर बना है, थोड़ा सा दाढ़ी वगैरह लगाई मैंने इसको, तो बढ़िया काम कर रहा है। तब बेसिकली यहाँ पे मैं एक टिप देना चाहूँगा, जो लोग भी मोबाइल पे माइनक्राफ्ट खेलते हैं वो लोग अपना वर्ल्ड में प्रोग्रेस कैसे सेव कर सकते हैं। सो अभी मैंने मेरा फ़ोन फॉर्मेट मारा तो मेरा ये वर्ल्ड वापस मैंने कैसे लाया, तो बेसिकली मैं अपने फाइल मैनेजर या माई फाइल्स या जो भी फाइल मैनेजिंग एप्लीकेशन होगी आप लोगों के फ़ोन में, जिस टाइप का भी फ़ोन हो, सैमसंग हो, वीवो हो, MI हो, तो मेरा सैमसंग का फ़ोन है, तो भाई उसके अंदर फाइल माई फाइल्स है। मैं गया इंटरनल स्टोरेज पे, गया सारी माइनक्राफ्ट या मोजैंग नाम की जितनी भी फाइल्स है ना, जिनके अंदर माइनक्राफ्ट मोजैंग ये सब वर्ड्स आते हैं, वो सारी फाइल SD कार्ड पे ले ली मैंने, और फिर SD कार्ड फ़ोन से निकाला, फिर फॉर्मेट मार दिया। उसके बाद जब फ़ोन वापस सेट हुआ, उसके बाद SD कार्ड की वाली फाइल्स वापस इंटरनल स्टोरेज पर डाली, फिर माइनक्राफ्ट में आके एप्लीकेशन SD कार्ड एप्लीकेशन एक्सटर्नल वगैरह कर करके देखा। एक टाइम पे तो मुझे लगा मेरा वर्ल्ड गया, लेकिन मेरे पास सारी फाइल्स थी तो मैं करता गया, फिर थोड़ा बहुत इधर उधर फाइल्स ये करने का, ये जो मेन वर्ल्ड की फाइल होती है ना माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में से, उसको OBB में डालने का, जो एंड्रॉयड मीडिया OBB होता है फोन्स में, तो उसके अंदर डालने का तो काम हो जाता है। तो मेरा भी ऐसे ही मेरा वर्ल्ड वापस आया। सो बेसिकली अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो भाई मैंने अपने घर को क्या सही बनाया, तैयार अंडरग्राउंड चलते हैं। ये मेरा लावा पेट, यहाँ पर भाई हमारा सीक्रेट रूम जहाँ पे सारे काम होने वाले हैं, ये हमारा सीक्रेट रूम, यहाँ पे मेरी लाइब्रेरी। फिश को इंचैंट करें, इंचैंटेड फिश। तो बेसिकली अब मुझे देखना है कि मेरे पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं। तो इसके अंदर है मेरी डायमंड की वाली स्वॉर्ड, ये है डायमंड की पिकैक्स, और हमारे पास 5 डायमंड है, ये हमारे पास बो, फिलहाल मेरी वो पुरानी वाली बो, अभी तक मुझे याद है वो जब मेरी लकी पिक 99 और वो तबाहीदार बो चली गई थी। सो मेरे पास अभी फ़िलहाल ये बो है जिसको हम पावरफुल बनाएंगे। फिशिंग रॉड हमारे पास बढ़िया वाली है। सो हमारा पास ठीक ठाक रिसोर्सेज हैं। सो अभी से है ना मैं इस माइनक्राफ्ट को रेगुलर बेसिस पे खेलना स्टार्ट करूँगा, जब तक हम उस एंडर ड्रैगन या जब तक हम उस विदर की खुद्दी नहीं तोड़ देते, तब तक मैं इस गेम को अभी रेगुलर बेसिस पे खेलने वाला हूँ, और बहुत मज़ा आने वाला है। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियोस देखने के लिए। तो अब बेसिकली मेरे पास और क्या क्या है, खाने पीने की तो कमी नहीं है भाई, और खाने पीने में ना टू बी ऑनेस्ट मैं बताऊँ तो ये मीट वगैरह ये सब ज़्यादा फ़ायदेमंद लगता है मुझे, मतलब इसके अंदर हेल्थ बढ़िया चलती है। सो क्या खाएं आज, मैं एक काम करता हूँ इसे ना पकाने लगा देता हूँ, मेरा कोई ये होगा इसके अंदर, मेरे पास थोड़ा सा ये पका हुआ है। ओके इसके अंदर क्या है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। सो इसको यहाँ से थोड़ा सा हाफ़ करेंगे और इसको इसमें डाल देंगे, दोनों तरफ से पकता रहेगा खाना। सो मैं ये खा लेता हूँ, और बेसिकली हाय भाई ये जो बोर्ड इकट्ठा करी थी ना मैंने, दम निकल गए थे उसने दर में, 8 घंटे की कुछ ये थी मेरे पास टाइम लगा था मुझे, 4-5 घंटे उसकी रिकॉर्डिंग में, 2-3 दिन लग गए थे, फिर 2-3 घंटे एडिटिंग में, एडिटिंग भी मैंने भाई ऐसा काट कूट के करी, मोस्ट ऑफ द पार्ट मैंने काट दिया, जब मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था ना क्या बताऊँ। तो बेसिकली हमारे पास कुछ खास चीज़ें तो है नहीं, आज हम लोग
हमारे रियल वर्ल्ड का। अरे हाँ, मैंने एक मैप बनाया था मेरे वर्ल्ड का, कहाँ है वो? मैंने उस मैप को पूरा नहीं किया, तो आज मैं सोच रहा हूँ आज हम अननोन मैप, ये है ना हमारे वर्ल्ड का मैप, हाँ बीच में हमारा ये है। अभी हमारा उधर की तरफ टाइगर बायोम में जहाँ गए थे, इधर की तरफ थोड़ा समुंदर है, तो आज मैं सोच रहा हूँ समुद्री एडवेंचर पे चलते हैं। तो मैंने अपना मैप ले लिया है, अब थोड़ी बहुत सामान मैं इकट्ठा करके रखता हूँ, जैसे फटाफट मैं अपनी बोट वगैरह इकट्ठा करता हूँ। तो लकड़ियाँ कहाँ है मेरी? मैंने कुछ यहीं इसी चेस्ट में रखी थी लकड़ियाँ। ओके, मेरी बोट कहाँ है? इसमें नहीं, बोट तो दिख रही नहीं है। एक एक यहाँ पर है यार मेरे पास बोट, मैंने फालतू में नई बोट बनाई, लकड़ियों की भी कमी है हमारे पास। एक सैडल रखना चाहता हूँ एक्स्ट्रा, और कभी हमें किसी नए घोड़े को टेम करके फिर ऐसे मतलब फ्लैट रास्ते में ट्रैवल करना पड़ा बिना पानी के, सो हम इसको रख लेते हैं। हमारे पास खाना इतना सारा था यार, बेक पटेटोज और ये सब है ना, मैं फार्मर्स वगैरह को भेज दूंगा विलेजर में, मतलब विलेज हॉल में। मेरे पास और कुछ है ले जाने लायक? मतलब और क्या क्या लेके जाना है मुझे? आई गेस ये लेके जाना है मुझे, और मेरी बो को रिपेयर करना भी ज़रूरी हो रहा है, मगर मेरी हालत अभी ख़राब है, गरीब सा हो रहा हूँ मैं। 2-3 XP है बस मेरे पास। यहाँ पर क्या है? मेरा रेडस्टोन और गोल्ड वगैरह मेरे पास। अरे मेरा आर्मर वगैरह है? नहीं, आर्मर नहीं है, मेन चीज़ तो भूल गया था मैं। और मैं डायमंड के टूल्स लेके जा रहा हूँ, मरना नहीं है मुझे। और मेरा आर्मर तो आई गेस याद है मुझे नदर में क्या हुआ था उसके साथ। अभी टेम्प्रेरी में क्या बना सकता हूँ? 15 आयरन के इंगट हैं, वो बारिश, ओके 25 आयरन के इंगट चाहिए होते हैं क्या सो बनाने के लिए, लेकिन मेरे पास तो है ही नहीं। गलत सीन हो गया। और इस बो पे इन्फिनिटी है, तो चलो मैं थोड़े से एरोज लेके चला जाता हूँ। अच्छा हो मैंने देख लिया, टॉर्चेस भी नहीं ली मैंने, टॉर्चेस लेनी पड़ेंगी। सो भाई यहाँ से थोड़ा बहुत कोल निकालो, कहाँ इन फर। सो आई गेस आई एम ऑलमोस्ट रेडी विथ एवरीथिंग एंड एवरी अरेंजमेंट। आर्मर वगैरह रेडी, शील्ड चाहिए भाई, लेकिन शील्ड बनाने के लिए आयरन होगा नहीं? एक्स्ट्रा शील्ड है मेरे पास, ओके शील्ड के बिना ना हालत ख़राब हो जाएगी मेरी। ऑल राइट, सो हम चले एडवेंचर पे, लेकिन रात हो रही है, सो हम चुपचाप से सो जाते हैं। यू कैन ओनली स्लीप एट नाइट। सो अब मैं लेके जाने वाला हूँ अपने किसी एक डॉग को मेरे साथ एडवेंचर पे, तो भाई तू चलेगा? मैं इसे ले जाता हूँ यार, ये बहुत टाइम से बेचारा लोनली हो रखा है, इसे लेके चलते हैं एडवेंचर पे। मेरे शुगर केन की खेती और पम्पकिन की खेती, अरे हटो भाई। अरे यार मैं पानी में क्यों गिरने लग रहा हूँ, यहाँ से चलो ना। ये मेरा AFK फिशिंग फार्म भी किस तरीके से काम करता है ये बाद में मैं किसी वीडियो में बता दूंगा, और इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा और मतलब इजीली काम करता है। अब मेरे पास यहाँ पे 2 बोट पड़ी हैं, लेकिन मैंने बोट बना ली है, तो अब इसी में चलते हैं। अरे डॉगी ये बोट में बैठ, अरे बोट में बैठ भाई, मैं बैठूंगा तो ये बैठेगा, बैठ जा, अबे बैठ जा, अरे बैठ गया, वेरी नाइस नाइस, ये तो बैठ गया। सो हम अपना मैप खोलते हैं और हम इस तरफ से एडवेंचर में चलते हैं। लेकिन यार मुझे ना TPP व्यू अनेबल कर देना चाहिए, कभी ये डॉगी वगैरह इधर उधर चला गया ना। ये जो मेरा ये वाला डॉगी है ना, इसका नाम होने वाला है जेक, ठीक है। वेल मैंने मल्टीप्लेयर गेम ऑफ कर रखा है ना, तो ऐसा फ्रेंडली फायर वगैरह ऐसा ऑन क्यों है? चीट्स भी ऑन नहीं कर रखी है मैंने, पता नहीं क्या है। मैं क्या करने वाला था, ओके वीडियो थर्ड पर्सन बैक, ऑल राइट। सो ऐसे हम लोग चलने वाले हैं आज हमारे समुद्री एडवेंचर पे। तो मैंने डिसाइड किया मेरे पास 3 डॉगी होंगे जिनका मैं नामकरण करने वाला हूँ, बाकी जो डॉग्स की आर्मी है मेरे पास वो आर्मी है। बाकी 3 हमारे फेवरेट डॉगी जो है उनका नाम रखा जाएगा, जेक ब्लेक और ड्रेक, तीनों भाई भाई होंगे, तीनों का नाम इसी तरीके से रखूँगा मैं। ओके, अब मैं कर लेता हूँ भाई इसको फर्स्ट पर्सन, ठीक है। अब मुझे दिखाओ मेरा मैप,
अभी हम चलते हैं हमारे वर्ल्ड के मैप की ओर, मतलब हम एडवेंचर करते हैं समुद्री एडवेंचर। और अगर हमें शिप वगैरह मिल जाए ना, शिप रैक, तो काम बन जाएगा बढ़िया वाला। पहले तो इस शील्ड को हटाओ, अरे शील्ड को है ना यहाँ रख लो, ताकि अगर इंस्टेंटली अगर ज़रूरत पड़ जाए शील्ड लगाने की तो मैं लगा सकूँगा। सो हम लोग देखते हैं कुछ शिप रैक्स वगैरह मिल सकता है क्या हमें। और ये अंडर वाटर कुछ है, मुझे ब्राइटनेस भी बढ़ानी है अपनी, काफ़ी सारी चीज़ें करनी है भाई। वीडियो में ब्राइटनेस कर देता हूँ मैं 99, अब लग रहा है कुछ बढ़िया, नीचे नज़र आ रहा है सब कुछ। कोई शिप रैक वगैरह मिलेगा हमें तो बढ़िया काम हो जाएगा यार। मेरा डॉगी मेरे साथ ही है ना, इसका नाम सोच रहा हूँ मैं जेक करूँ, और बाकी दो का ड्रेक और ब्लेक कर देंगे, ठीक है। उसमें से जो मेरा येलो कॉलर वाला है उसका पिकाचू मैंने सोचा हुआ, लेकिन उसका नाम ड्रेक होगा। हमारा समुंदर यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, यह कोई आइलैंड आया, लेकिन हम इस आइलैंड के ऊपर जान नहीं देने वाले, हम साइड से यूँ सरक के उधर चले जाएंगे। आवाज़ कर रही है अजीब सी ये बोट। आई होप मुझे वो ट्राइडेंट वाला बंदा ना मिल जाए, नहीं तो मेरी वाट लग जाएगी बुरी तरीके से। वो बोट भी तोड़ देता है, मैं एक्स्ट्रा बोट नहीं लेके आया यार, मुझे उन दोनों, वो जो बर्ड्स की बोट थी ना उठा लेनी थी, वो एक्स्ट्रा बोट की तरह काम कर सकती थी मेरा। ये डॉगी साथ में ही है ना मेरे। हम समुंदर में देखते चलते हैं हमें कुछ मिलेगा तो। ओ शिप रैक, वहीं शिप रैक है। ऑलराइट गाइस, हमारा फर्स्ट शिप रैक इस मैप का, शिप रैक ही है ना वो, हाँ नीचे संकेन शिप। इसके अंदर से हमें कोई बड़ी ट्रेजर मैप मिल सकता है। यार मैंने मैप बंद कर दिया तो बीच का एरिया नहीं खुलेगा क्या? मुझे आगे से अपना मैप को है ना इस हाथ में लेना पड़ेगा। अगर मैं मैप बंद कर देता हूँ तो उसने काउंटर नहीं किया बीच का एरिया। मुझे इस पूरे मैप को फिल करना था यार अपने वर्ल्ड का। किसी अननोन नंबर से कॉल आ रहा है लेकिन मैं नहीं उठाने वाला, मैं अननोन नंबर से कॉल वैसे ही नहीं उठाता। कहाँ गई भाई वो संकेन शिप? ये रही इधर की तरफ है नीचे। अब इस संकेन शिप को लूटने जाने से पहले मुझे अपनी शील्ड ऑन करनी पड़ेगी, और इस डॉगी को यहीं पे सेट करवा देता हूँ मैं तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। कहाँ है वो संकेन शिप हमारी? पानी के अंदर की चीज़ें रेंडर होने में टाइम लगता है। अरे वो संकेन शिप कहाँ है? ये रही। ओ भाई पानी के नीचे अंडर वाटर कोई वैली भी है, मैग्मा क्यूज होते हैं जहाँ तक मेरी नॉलेज है, और फिर वो खींचते हैं अपनी तरफ। कोई चेस्टें नहीं है क्या यहाँ पर? देखो डर पता है किस बात का? डर मुझे है इन ट्राइडेंट वाले बंदों का। एक तो ये शिप बहुत नीचे है तो, अरे 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 नहीं नहीं नहीं, शिट शिट शिट, कोई पकड़ लिया, कोई पकड़ लिया मुझे किसी वाटर ज़ॉम्बी ने। अरे नहीं नहीं नहीं, पानी 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 ख़त्म हो गया यार, मैं ऐसे तो एडवेंचर नहीं कर पाऊँगा, ऐसे तो एडवेंचर नहीं कर पाऊँगा भाई साहब मैं। फटाफट अपनी बोट में बैठो, अरे बोर्ड करो इससे पहले कोई ज़ॉम्बी आए और भग लो। सो मैं क्या करता हूँ ना यार, ये वाटर ज़ॉम्बी इसके दिमाग ख़राब कर रहे हैं, पहले इनसे थोड़ा सा दूर हो जाओ। यहाँ मेरा डॉगी उन ज़ॉम्बी से लड़ना ना शुरू कर दे यार, जो प्रॉब्लम हो जाती है। सो मैं क्या करता हूँ ना, अभी अपने जो वर्ल्ड के एरियाज़ हैं इनको मैं रिकॉर्डिंग में नोट हो रहे हैं, मैं इनके कोऑर्डिनेट्स भी नोट डाउन कर लूँगा, और जब मेरे पास वो वाटर रेजिस्टेंट हेलमेट या टर्टल वाला हेलमेट आ जाएगा ना, तब आएंगे भाई इन शिप के ट्रेजर को खोलने में, फिर ये सब ट्रेजर वगैरह खोलेंगे। तो अभी हम लोग चलते हैं साउथ की तरफ, हो सकता है हमें साउथ पैसिफिक ओशन मिल जाए। माइनक्राफ्ट का साउथ पैसिफिक ओशन ही होगा। मुझे फिशिंग रॉड लेके आनी चाहिए थी यार, मैं थोड़ी बहुत फिशिंग कर लेता और कॉड खिला देता इनको। वो संकेन शिप है, ओशन मॉन्यूमेंट। आर यू सीरियस? वो एक ओशन मॉन्यूमेंट है राइट, उसके ऊपर ही ऐसा होता है। ओशन मॉन्यूमेंट है वहां पे मेरे वर्ल्ड के इस कोने में,
ओके हम इधर से इधर की ओर चलते हैं। ओशन मॉन्यूमेंट पे भी आएंगे कभी कभार, मतलब कभी कभार क्या, कभी किसी दिन आएंगे। वेल ओशन मॉन्यूमेंट और वुडलैंड मेंशन इन सब की जितनी मैंने वीडियोस देखी है ना, उसके अंदर बिल्कुल वर्थ इट नहीं होता। मतलब सिर्फ ये मिलते हैं गोल्ड के ब्लॉक्स, वो नेदर में सब जाके निकाल सकते हो। नेदर में ज़्यादा ईजी होता है निकालना, वो नेदर में से भी जाके निकाल सकते हो। यहाँ पर नीचे कोई लाइट जल रही है, चेस्टें भी हो सकती हैं। ओके स्नो बायोम, वहां पर स्नो है। सो यहाँ से तो मेरा घर ही स्टार्ट हो जाता है आगे की ओर। सो अब हम यहाँ से है ना राइट टर्न मार के ऊपर की तरफ, स्नो है जहाँ तक मेरी नॉलेज है, मेरे वर्ल्ड में ना लास्ट टाइम देखा था। वो देखो टॉर्चेस, मेरी लगाई हुई टॉर्चेस हैं, मेरा जंगल लाइट अप रहेगा इससे। सो अब मेरा क्या ये है ना, मैं यहाँ से इधर को जाके और ऊपर की तरफ जाऊँगा अपने वर्ल्ड में। एक विलेज, ये एक विलेज मिला हमें यहाँ पे। ओ इसमें क्लेरिक का ये भी है, मैं ब्रूइंग स्टैंड ले लूँगा यहाँ से। बहुत सही यार, ब्रूइंग स्टैंड उठा लूँगा मैं इस विलेज से। लेकिन बात आती है कि मैं जाऊँ कैसे, रास्ते में ज़ॉम्बीज तो नहीं आएंगे? दिख रहा है मुझे एक वहाँ से। मैं भी बेवकूफ़ हूँ, मैं बेड लेके आया, मैं बेड लगा के सो भी सकता हूँ यहाँ पे। छोटी सी जगह पे रुको, अपना बेड लगाओ और सो जाओ। मैं बिना दिमाग ही नहीं है मेरे में। यहाँ पर लो बेड, लगाओ अपना बेड और सो जाओ। नहीं सब ये सारे स्केलेटन वेलेटन झड़ के मर जाएंगे। बेड उठाओ, बोट में बैठो, बोर्ड, और चलो अभी हम चलेंगे उस विलेज के पास। विलेज कहाँ पर था मेरा? डॉल्फिन्स प्लीज मुझे डिस्टर्ब ना करो, जहाँ तक मुझे पता है मेरा विलेज यहाँ से इधर को था, इधर से यूं जाके। वो रहा, मैं यहाँ पर है ना रेड मारने वाला हूँ इस विलेज पे, सारे इनके उठा के लेके जाऊंगा। फिर मैं अपने विलेज में क्लेरिक बनाऊंगा एक, और मेरे घर में भी ब्रूइंग स्टैंड लगा दूंगा। क्लेरिक के टावर है यहाँ पे। सो गाइस आई थिंक इट्स टाइम टू डू सम सीरियस रेड। लगा लो अपनी शील्ड, बोट से उतरो। तू उठ भाई, मैं बोट तोड़ रहा हूँ, तुझे ना लग जाए। बढ़िया, चलो हल्ला बोल। वेल मैं विलेजर्स को कुछ नहीं कर रहा, तुम लोग जाओ, मैं तुम्हारे घर में लूट मार रहा हूँ। चलो सबसे पहले इसकी बारी, कुछ भी नहीं है। मैं भाई इस टावर में लूट मारूंगा, ऊपर चेस्ट होती है इस टावर के। यहाँ पर भी कुछ नहीं, गरीब विलेज है क्या? सो अब बारी है इस मेन टावर की, बाहर निकल चल। अभी मैं तेरे को बेरोजगार करने वाला हूँ, इधर ला अपना ये। ऊपर चलो भाई, यहाँ क्या है? कुछ भी नहीं है। और ऊपर चलो, चेस्ट होगी। कुछ भी नहीं है यार, क्या क्या बात का टावर बना रखा है इन्होंने, मतलब उनका सारा मामला पानी। अरे ये रहा भाई, ये
यह बेचूंगा मैं अपने फार्मर को और फिर कमाऊंगा बढ़िया वाले दाम। तो मेरे वर्ल्ड में यहाँ पर एक पिलेजर आउटपोस्ट भी है जो मुझे अभी तक नहीं पता था, ठीक है। तो मैं इसके मैप में देख लेता हूँ, यहाँ पर पिलेजर आउटपोस्ट है, मैं यहाँ पर आऊँगा, इनके कैप्टन को मारूँगा और फिर इनके कैप्टन का जो है ना उसको मारने से सिंबल आ जाता है ग्रेड का। और मैंने सुना है कि भाई उसके ऊपर चेस्ट भी होती है जो आउटपोस्ट का ऊपर वाला एरिया होता है ना। और हाँ, इनके पास यहाँ पर एक केज भी होता है। तो अगर इस केज के ओके वहाँ पर उनके कैप्टन है, बैनर्स लगे हैं उनके, बंदे कहाँ यार बैनर्स लगे हुए। इनके एक केज के अंदर आयरन गोलम होता है, तो अगर मैंने एक केज खोल दिया ना इनका, सो तो भाई मचा देगा आयरन गोलम, वो रहे बंदे गाइस। मैं एक को मारने वाला हूँ, मेरा ये टारगेट है। और क्या मैं अपनी फ्लेम वाली एरो से इनके अंदर आग लगा सकता हूँ? आई डोंट थिंक सो। एक बंदे को लगी ना, अब सब आ जाएंगे मेरे पीछे। अब मैं विलेज के आयरन गोलम से इनकी ठुकाई करवाता हूँ, ये ज़्यादा सही हो जाएगा। सो अगर मैं अभी इस समय यहाँ पे इनके कैप्टन को मार के एक रेड स्टार्ट करता हूँ इस विलेज पे, ठीक है, और इस रेड को जीतता हूँ, तो मुझे ये सारे जो विलेजर है ना, ये अपनी चीज़ें सस्ते दाम में देंगे और मैं इन्हीं की वेट। ओ अरे एक विलेजर आ गया, एक विलेजर आ गया, भागो भागो, जिसको मैंने मारा था वो आ गया यहाँ तक। अरे नहीं नहीं बंदे आ गए, सॉरी। अरे शिट शिट, आयरन गोलम भाई मदद कर, इधर एक विलेजर आ गए, पिलेजर आ गए जो भी है। आयरन गोलम भाई फाइट कर, चल बहुत ओपी, आई गेस वो एक ही पिलेजर आया था। चल फार्मर भाई बताओ आप क्या दे रहे हो हमें, वीट से ट्रेड कर रहा है ना, यही चाहिए था। अब ला भाई तेरी वीट, तुझे ही बेचूंगा, कड़क धंधा होगा आज तो। चलो अपग्रेड भी कर दिया, तेरे में से बुलबुले निकलेंगे, अपडेट हो रहा है ये, ला दे और दे। कितने एमरल्ड कमा लिए? 7 एमरल्ड, सही है। और क्या क्या पम्पकिन बेच के भी लेगा ये। मैं ना इनके फार्मर का कंपोस्टर तोड़ लेता हूँ, क्योंकि मैं जो कंपोस्टर बनाता हूँ ना उनमें कभी भी इसकी डील नहीं आती, उनमें कभी भी ये नहीं आता वीट, वो सिर्फ गाजर और ये सब बेचता है। तो मैं इसका कंपोस्टर उठा लेता हूँ, ठीक है, इसको लगा दूंगा मेरे हॉल में। बेचारे बेरोजगार हो गए हो आप फार्मर अंकल, कोई बात नहीं, मेरी सारी वीट बेच दी मैंने इसको। ये दूसरा फार्मर भी है यहाँ पे। अरे यहाँ पर और खेती बाड़ी है यार, और खेती बाड़ी है, कोई कसर नहीं छोड़ूंगा इस विलेज को लूटने में आज तुम्हें। मेरा डॉगी भी मेरे साथ साथ है। अंकल जी आप क्या ट्रेड दे रहे हो? लाओ अभी आपकी वेट वापस आपको बेचता हूँ मैं, इस विलेज से एमरल्ड कमा ले सकता हूँ मैं बढ़िया वाले। ये बीट रूट्स में डील कर रहा है वो, अगर मैं इसका कंपोस्ट तोड़ के लगाऊँ वापस सो इसकी डील चेंज हो सकती है। सो ये पुराने ज़माने वाली ट्रिक, अब मैं इनके साथ खेलने वाला हूँ। उस साइड पे भी है भाई, ये विलेज बहुत बड़ा है, अच्छे से लूट मारेंगे, अच्छे से सकून से 2-4 दिन तक लूटेंगे। अरे अरे इसी चीज़ के लिए तो मेन आए थे हम यहाँ पे, बीट रूट गाजर। अब मैं ये बीटरूट उसको बेच सकता हूँ, ये भी सही काम हो जाएगा। देख रहा है जेक कैसे बिजनेस कर रहा हूँ मैं, इसका नाम जेक होने वाला है। और जो दूसरे हैं उनका ब्लैक और ड्रेक कर दूंगा मैं। ब्लैक नाम का आइडिया मुझे पता है बीस्ट बशिप के डॉगी से आया, ब्लैकी से। ओके ऑलराइट, इसकी सारी खेती तबाह कर दी मैंने। अब बता डील्स क्या दे रहा है, वीट में ट्रेड? अरे यार वीट तो है नहीं मेरे पास, जब मुझे वीट चाहिए होती है तो वीट देते नहीं है, और जब नहीं चाहिए तो वीट दे रहे हैं। मुझे इनका कंपोस्टर चेंज कर करके देखना पड़ेगा,
आ भाई क्या क्या नई ट्रेड आई है? गाजर में ट्रेड आई है, बढ़िया। अब मैं उस बीटरूट वाले बंदे के पास जाके उसे बीटरूट भी बेच देता हूँ। सो हाई यस कैसे आप सब, वेलकम बैक टू द सेकेंड डे। अब कल के दिन मैंने उस विलेज को अच्छी तरीके से लूट मारी उस विलेज के ऊपर। उसके बाद फिर वहाँ पे से मैंने घोड़ा उठाया, उसके ऊपर सैडल लगाई और फिर मैं भागता मतलब घोड़े से भगाते हुए यहाँ पर आ गया। एंड अब हम यहाँ से आगे कंटिन्यू करने वाले हमारी जर्नी और मेरा घोड़ा मेरे साथ है। अब कल वो जो रिकॉर्डिंग मैंने करी और उसकी एडिटिंग करी उसमें मैंने देखा भाई मैं अंडर वाटर में फास्ट स्विम नहीं कर रहा था, उसकी वजह से मेरे वो हार्ट जा रहे थे और फिर मैं कोई भी ट्रेजर लूट नहीं पा रहा था। सो आज हम लोग ट्राई करने वाले हैं, यहाँ पर चमकती हुई लाइट है। सो मैं नीचे जाने वाला हूँ ये, और ये थोड़ा सा ऊपर भी है, ठीक है। सो मैं अपने डॉग को यहाँ पर सेट करवाता हूँ पहले, और यहाँ से फुल स्पीड में हम लोग जाएंगे। कहाँ पर है वो? यहाँ से फुल स्पीड में हम लोग नीचे जाएंगे और देखने वाले हैं कि यहाँ पे कोई चेस्ट वगैरह है कि नहीं है। कोई चेस्ट वेस्ट है? नहीं, यहाँ कुछ नहीं है। ऑलराइट, सो ठीक है, ये इतना मुश्किल भी नहीं। अब हम उस संगन शिप पर भी जाके वहाँ के ट्रेजर ला सकते हैं। मैंने फास्ट स्विम किया, मुझे फास्ट स्विम करना आ रहा नहीं था पहले, बस प्रॉब्लम ये थी। अरे बोर्ड कर भाई। सो संकेन शिप कहाँ पर थी? यहाँ कहीं थी, वहाँ पे हमारे वर्ल्ड में एंटार्क्टिका भी है। वो संकेन शिप अब मुझे ढूंढनी पड़ेगी, तो कुछ खास याद नहीं है लेकिन वो यहीं कहीं थी। यहाँ पे अंडर वाटर अलग अलग स्ट्रक्चर बने हुए हैं और इधर चेस्टें हो सकती हैं, मिल सकती हैं चेस्टें, मगर अभी फ़िलहाल मैं नीचे जाने का रिस्क नहीं लेना चाहता। और वो ट्राइडेंट वाले बंदे के भी डर से थोड़ा सा, और थोड़ा सा खुद भी मैं सेफ्टी रखना चाहता हूँ। अभी हम लोग कहाँ चलते हैं पता है? हम लोग इधर वाले पॉइंट पर चलते हैं जहाँ पर मेरा सर्कल आ रहा है ना, अपने मैप के वेस्ट और नॉर्थ में जाके। वेस्ट से जाएंगे फुल लेफ्ट साइड में, नॉर्थ पर जाएंगे फिर। तो मैं वहाँ जाने का प्लान कर रहा हूँ। और कल हमने वो ओशन मॉन्यूमेंट भी देखा था, तो भाई उस ओशन मॉन्यूमेंट पे भी कभी लूट मारने जाएंगे हम लोग, एक बार अच्छे से सेटल हो जाऊँ मैं। और एक चीज़ तो मैं बताने भूल गया, जो मैं कल उधर गया था ना विलेज, तो यहाँ से मैंने 11 गाजर 11 एमरल्ड लूटे। अब मेरे जैसे बंदे जिसके पास बिल्कुल कुछ एमरल्ड है नहीं, इसके लिए 11 एमरल्ड बड़ी बात रखते हैं। और 34 पोटैटो और थोड़ी बहुत गाजर भी आएंगे, तो इन्हें मैं अपने विलेज के फार्मर में बेच दूंगा, वो लोग भी थोड़े से अच्छे मुझे एमरल्ड दे देंगे। साथ में है ना मेरा जेक, इसको यार खाना, इसके खाने के लिए है नहीं कुछ मेरे पास। ये 2 दिन से 3 दिन से तो भूखा ही बैठा है। ये खाएगा पोक चॉप? हाँ, फीड का ऑप्शन आया था अभी, खाएगा भाई ये रहा। ओके, ये पोक चॉप खा सकता है, नाइस। मैं भी ज़रा एक पोक चॉप खा लूँ। थोड़ा सा लैग क्यों हो रहा है इसको भी? अब तो सेट रहा है, मुझे बोर्ड पे बैठना है यार, इसको सेट करवाओ और मुझे बोर्ड करना है। ओके ऑलराइट, यहीं पर है ना? हाँ, हम लोग कहाँ चल रहे थे? इस डायरेक्शन में जा रहे थे हम लोग। यहाँ पर ये वो होंगे मैग्मा के। भाई तू ठीक है ना? पता चला कभी ये उछल के नीचे चला जाए। वो क्या है? एक रुइंड पोर्टल।
ओ हमें रुइंड पोर्टल मिला है, वहाँ पे चेस्ट होगी, डेफिनेटली चेस्ट होगी और हमें लूट मिलेगी। नाइस, कोई बड़ी ट्रेजर मैप, बड़ी ट्रेजर मैप मिल जाए ना तो मजा आ जाएगी। अरे यार मैंने कहाँ लगाऊँ ऐसे, एक यहाँ लगाओ। ओके उन दोनों को लगा दिया, अब यहाँ पे चलते हैं हम, ठीक है। और यहाँ पर मैं अपना बेड लगाता हूँ, लगेगा नहीं क्या यहाँ बेड? भाई तू भी उड़ जा, आ जा मेरे साथ, यहाँ पे बेड लगाओ, यहीं पे रिस्पॉन पॉइंट सेट कर लो, मैं सो जाऊंगा और कल सुबह उसके पोर्टल को देखूंगा। अरे वहाँ पे देखो इतने सारे डॉगीज हैं, अरे जेक देख तेरे भाई बंधु वहाँ पे हैं। यहाँ पे नेदर रैक है, वहाँ पे देखो इतने सारे डॉगीज हैं। मैं यहाँ से आगे थोड़ा सा पैदल भी एक्सप्लोर करना चाहूंगा, और अगर हमें कोई घोड़ा वोड़ा मिला तो हम घोड़े घोड़े के ऊपर भाग के जा सकते हैं। ओके गुड मॉर्निंग गाइस, यहाँ पे मेरा जेक अपनी बोट में बैठा हुआ है, वहाँ पे एक देखो टर्टल भी है। सही है, तो चलो हम चलते हैं यहाँ पे एक रुइंड पोर्टल। ओके लावा, मुझे पता था यहाँ पे कुछ ये होगा, मुझे ना जेक को यहीं पे बिठा देना चाहिए, क्योंकि ये ना लावा वावा में गिर जाएगा ना तो अलग सीन हो जाएगा। तो तू बोट में बैठ जा और मैं चलता हूँ यहाँ से ऊपर, यहाँ से ऐसे, यहाँ पे ऐसे। ओके ऑल राइट, हम आ चुके हैं यहाँ पर। इसमें क्या है, ऑब्सीडियन मिले हैं कुछ, फ्लिंट एंड स्टील मिला है, फायर चार्ज मिला है, थोड़े से गोल्ड नगेट्स और एक गोल्डन एप्पल, नाइस। और ड्राउंड्स, ड्राउंड्स हैं यहाँ पर। भाई उठ, मुझे मेरी बोट निकालनी है। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, उसको भी लग गई थोड़ी सी। इधर आ इधर आ, उसको खिलाना पड़ेगा अभी। इधर आ, डायमंड की शॉट से लगी है, उसकी टेल से हम उसकी इसका पता लगा सकते हैं हेल्थ का। ओके ये यहाँ पर टेलीपोर्ट हो गया ना, हम इस बेड को लेते हैं अपने साथ। तू ये खा, देखो इसकी टेल नीचे है, अब मैं इसको खिलाऊंगा तो इसकी टेल एकदम खड़ी हो जाएगी। इधर आ, ये देखो उसकी टेल खड़ी है, तो मतलब वो अपनी मैक्सिमम हेल्थ पे है। सो अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर, थोड़ा सा पैदल एडवेंचर करना है हमारे इस वर्ल्ड में। यार मुझे ना पर्सनली बताऊं, ऐसे फॉरेस्ट में ट्रैवल करना बिल्कुल नहीं पसंद। वहाँ पे एक ब्लैक कलर की शीप है, जैसे फॉरेस्ट में ट्रैवल करना बिल्कुल नहीं पसंद। ओ भाई गलत जगह गिर गया। मैं क्या करने वाला हूँ ना, यहाँ से एक टावर बना के ऊपर जाने वाला हूँ, और फिर पता लगाने वाला हूँ कि यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन में क्या चीज़ है। जेक को नीचे ही बिठाना पड़ेगा यार, ये ऐसा आ जाएगा तो। ओके ऑल राइट, मेरा जो प्लान है हम लोग उस प्लान के हिसाब से चलेंगे, हम लोग इधर जाने वाले हैं और फिर वहाँ से पीछे जाएंगे। तो पहले तो हम इसे तोड़ लेते हैं। मैं इसके थ्रू ऊपर भी चढ़ सकता हूँ ना? यस, अभी मैं चढ़ नहीं लग रहा था। इधर कहाँ पर हूँ भाई, इधर से ऊपर चढ़ गया। यस ओ भाई, ये तो बहुत सही चीज़ है, यहाँ पर जगह बना लेता हूँ अपने लिए। सो मैं इस ट्री के ऊपर भी आ सकता हूँ अगर मैं इसे तोड़ देता हूँ। नाइस, सही है, यहाँ पर ही था ना हमारा बायोम प्लेन्स। ओके हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर, देखो इतने सारे सनफ्लावर्स हैं, ये देख भाई जेक। मैं इन सबको भी लेके जाने वाला हूँ हमारे घर के पास, लगाएंगे हम, लुक बढ़िया करेंगे। ओके वहां पर है विच का घर, इस विच की मैं बात कर रहा था, मुझे पता था कि एक विच का घर होता है और एक कैट होती है उसके पास, लेकिन कैट को डेम करने के लिए बस फूड नहीं है।
सो हमें इतना पता है कि यहाँ पर एक विच का घर है। ओहो यहाँ पर ये भी है, यहाँ से अगर ये जेक गिर गया ना, रुक जा बैठ जा, सेट 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 कहाँ है, बैठ जा। यहाँ से अगर ये गिर गया ना तो सीधा लावे में जाएगा वो। सो आई थिंक वहाँ पर भी जाने में खतरा है। ये वो देखो भाई विच घूम रही है, मेरे पास बो है, मैं डायरेक्ट मार देता हूँ उस विच को। अभी तो हम थोड़े से पावरफुल हो चुके हैं। कहाँ पर है, बी स्पॉन हो गई। वो अपनी बॉटल वॉटल फेंकती हुई ना आ जाए। मेरे पास शील्ड का है, शील्ड निकाल के रखो। लेकिन उसके बॉटल के सामने तो शील्ड काम नहीं करती ना। वो देखो विच की काली बिल्ली इसके पीछे घूम रही होगी। मैं उसकी बिल्ली को कुछ करना नहीं चाहता है ना। मैं से रैंडम शूट करता हूँ। पहले तो मैं अपने यहाँ पे बेड लगाता हूँ और यहाँ पे ये कर देता हूँ रिस्पॉन पॉइंट सेट। ठीक है, सो अभी रात होगी तो हम लोग यहाँ पे सो जाएंगे और फिर कल हम उस विच के घर में जाएंगे। पहले तो मैं विच को तो बो से मार दूंगा, विच को मारने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और फिर हम क्या बोलते हैं उसके घर के अंदर देखेंगे अगर कोई चेस्ट वगैरह मिल गई। सो मुझे अपनी बो रेडी रखनी पड़ेगी और मैं जेक को नहीं लेके जाना वाला। ओके वहाँ पे वो रही आग लग रही है उसमें, हम पहले उस विच को मारने वाले हैं। हम उसने कोई जादू वगैरह यूज किया है, दो शॉट आ रही है वो यहीं पे चलते चलते। कोई बॉटल मारने के इरादे में है वो। अरे नहीं, अरे लग क्यों नहीं रहे निशाने। ओके लग गए, एक और शॉट बजाऊंगा मैं इसे, एक और शॉट। ओके विच मर गई, ये विक्ट्री। ज़्यादा मुश्किल नहीं था ये काम, उसको मैंने आते आते ही मार दिया। बस जे कभी तो यहाँ से उठ और थोड़ा सा हम पानी के थ्रू जाएंगे वहाँ पे, क्योंकि वह उस खाई का रिस्क नहीं लेना चाहता। जे गिर जाएगा उस खाई में। अभी हम देखते हैं उस विच ने क्या ड्रॉप किया, कुछ टोटम वोटम ड्रॉप किया होगा, ड्रॉप किया होगा, बॉटल्स ड्रॉप करती है भाई वो, ये क्या बेकार चीज़ है। ओके यहाँ पर भी बहुत ये है खाई, तो मैं उसका रिस्क नहीं लेना चाहता। इधर आजा जेक। ओके भाई जेक को हो जाता अभी सीन। मुझे मैप लाना है, मैप यहाँ का भी फिल करना है इस एरिया का। ओके कुछ मिलेगा हमें, हम इसके घर में जाने वाले हैं। गेट कहाँ है, इसके घर का कोई गेट नहीं होता, हमें ऐसे ये रख रख के जाना पड़ेगा ऐसे। अरे भाई गिर गए हम। इसको तोड़ो। ओके विच केस में आ गए। यहाँ पर ये क्या है भाई, कोल्ड रोन के अंदर रेड कलर का कुछ जादूपंथी चल रही है। मेरे पास क्राफ्टिंग टेबल भी नहीं है, मैं क्राफ्टिंग टेबल यहाँ से ले लेता हूँ। बढ़िया, ये कोल्ड्रॉन के अंदर क्या जादू बनती हो रही है, क्या है कोल्ड्रॉन, कुछ ऐसा होता ना कोल्ड्रॉन फिल्ड विथ वाटर या ऐसा कुछ लिखा हुआ होता। ठीक है, कोई चेस्ट वेस्ट तो है नहीं यहाँ पे मुझे दिख रही हुई। तो अब मैं सोच रहा हूँ अब हम लोग कहाँ जाए, अब हम लोग उस डायरेक्शन में आगे चलते हैं। मेरा बेड कहाँ पर है, मेरा बेड वहाँ पे छोड़ दिया था ना मैंने। ओ ये है एक बेबी घोड़ा, ये स्पॉन हुआ है लेकिन इसके मम्मी ओ रही मिल गई। मैंने सोचा था मैं इसको थोड़ा सा वेट खिला के बड़ा कर दूंगा, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, हमारे पास ये है ना। तो पहले मैं अपना खाना खा लूँ। एक ही बारी में दिल दे देगी, नाइस दे दी। सैडल का है मेरी एक्स्ट्रा सैडल पे ना। मैं अपना खाना खाता हूँ, मेरा जेक तो टेलीपोर्ट कर जाएगा। नाइस लेट्स गो। सही यार, इसलिए मैं एक एक्स्ट्रा सैडल और बोट लेके घूमता हूँ हमेशा अपने साथ। यहाँ से और इधर कौन सी डायरेक्शन में जाएं? इस घोड़े के अंदर स्ट्रेंथ बहुत है। ओके यहाँ पे स्नो विलेज। ओ भाई साहब ये स्नो विलेज,
नाइस मेरे वर्ल्ड में इतने सारे विलेजेस डिस्कवर कर रहा हूँ, स्नो विलेज भाई। आज हम लोग यहीं पर रुकेंगे, थैंक यू घोड़े मुझे इतनी अच्छी जगह ला के रखने के लिए।